हेलो रिस्क टेकर्स, हाउ आर यू? दिस इज याश एंड वेलकम बैक टू सिटी पॉइंट। सो अब तक हमने क्या किया है? वी कंप्लीटेड द कंप्लीट सिंपल प्रपोजिशंस। तो आज तक के सेशन में वी कंप्लीटेड द होल प्रपोजिशन, जो सिंपल प्रपोजिशन की कैटेगरी थी प्रपोजिशंस में ही। और आज हम एक आपको जो है सिंपल प्रपोजिशन और नहीं पढ़नी है, ठीक है? जितनी मैंने लास्ट सेशन तक सिंपल प्रपोजिशन कराई थी, दे आर टोटली जितनी भी करा दी थी मैंने, उतनी ही है सिंपल प्रपोजिशन जो तुम्हारे एग्जाम में आएगी। अब हमें करना है कंपाउंड प्रपोजिशन। तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू बिगिन कंपाउंड प्रपोजिशन। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर गेटिंग स्टार्टेड कि भाई आपको आज अगर इफ यू हैव स्टैमिना देन ही आप सेशन लेना, बिकॉज आज का सेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है। बिकॉज मैंने क्या किया है, सभी कंपाउंड प्रपोजिशन को एक ही वीडियो में, एक ही सेशन में, एक ही स्लाइड में इंक्लूड कर दिया है। अगर सभी कंपाउंड प्रपोजिशन को इंडिविजुअली एक एक सबके सेशन लेता लाइक दिस सिंपल प्रपोजिशन, तो बहुत 5-5 मिनट के 5-5 मिनट के छोटे छोटे सेशन बन जाते। तो व्हाट आई डिड, सभी कंप्लीट जितने भी ओवरऑल अपनी कंपाउंड प्रपोजिशन है उनको एक ही स्लाइड में, मतलब एक ही पीडीएफ में इंक्लूड किया है, और एक ही सेशन आज उनका होगा सभी कंपाउंड प्रपोजिशन का। तो आप क्या कर सकते हो, व्हेन यू आर वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स लर्निंग प्रपोजिशंस, कंपाउंड प्रपोजिशंस, तो एक ही वीडियो के अंदर आप सभी कंपाउंड प्रपोजिशन को देख लोगे, ठीक है, और सीख भी लोगे। और इससे पहले जो सिंपल प्रपोजिशन था उसकी हमने इंडिविजुअली सभी हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो आज का सेशन कंपाउंड प्रपोजिशन का होने वाला है, और फास्टन यू सीट बेल्ट, बिकॉज बहुत ही बड़ा होने वाला सेशन। बहुत बड़ा नहीं, पता नहीं, एक बड़े अराउंड होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपाउंड प्रपोजिशन है जो हमें पढ़नी है आज। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रपोजिशन सिंपल थी, लेकिन कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होता है, लेट अस सी। देखो तुम्हारे सामने लिखा भी हुआ है कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन कैसे समझोगे, कंपाउंड वर्ड से। एक कंपाउंड नाउन भी पढ़ाया था मैंने आपको, कंपाउंड नाउन भी होता है। कंपाउंड नाउन में क्या होता है, जब एक से ज्यादा वर्ड आपस में अटैच हो जाते हैं और नाउन का ही काम करते हैं तो कंपाउंड नाउन है। तो ऐसे ही वो नाउन जो सिंपल नहीं होते हैं, ठीक है, वो कंपाउंड नाउन है। एंड वो प्रपोजिशन विच आर नॉट सिंपल एनफ, मतलब सिंपल नहीं होती है, तो वो क्या हो जाएगी, कंपाउंड प्रपोजिशन हो जाएगी। कंपाउंड को आप कॉम्प्लेक्स से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो कंपाउंड प्रपोजिशंस आर दोज प्रपोजिशंस दैट आर मेड बाय प्रीफिक्सिंग द प्रपोजिशन टू अ नाउन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। मतलब कि भाई किसी भी नाउन या एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब से पहले कोई प्रपोजिशन लगा दोगे, कोई भी प्रपोजिशन या कोई ऐसा वर्ड जो प्रपोजिशन का काम करता है लगा देते हो, तो वो क्या बन जाता है, आपका कंपाउंड प्रपोजिशन बन जाता है। तो इससे ये पता लगता है कि दे आर मेड, ठीक है, दे आर नॉट नेचुरल, है ना। जो सिंपल प्रपोजिशंस थी वो हम बनाते नहीं है, है ना। दे आर एज दे आर, वो जैसी हैं वैसी हम यूज करते हैं सिंपल प्रपोजिशन, दे आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, है ना। लेकिन जो कंपाउंड प्रपोजिशंस होती हैं वो बनाई जाती है, ठीक है, मतलब नाउन एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब के साथ कोई वर्ड जो प्रपोजिशन का ही काम करता है अटैच कर देते हैं तो कंपाउंड प्रपोजिशन बन जाती है। अरे ये बहुत सारा फेमिलियर होंगे आप इससे, मुझे पता है, बिकॉज बहुत कॉमन है ये कंपाउंड प्रपोजिशन। नाम सुन के डरने की जरूरत नहीं है, दे आर वेरी कॉमन, ठीक है, बचपन से यूज करते आ रहे हो, मुझे पता है। जब मैं आपको दिखाऊंगा यू विल गेट टू नो कि भाई हाँ ये तो पहले भी हमने यूजेस इसके देखे हैं लाइफ में, है ना, और बार बार रिपीट भी होते हैं। चलिए फिर आप आगे बढ़ते हैं। आई होप यू कैन सी माई स्लाइड एंड आई एम विजिबल टू यू एंड माई फॉन्ट्स आर ऑल्सो। चलिए कंपाउंड प्रपोजिशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अबव की, ठीक है, अबव की। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये जो प्रपोजिशन है ये सिंपल प्रपोजिशन नहीं है, इट इज मेड, ठीक है, बनाई गई है, इट वॉज मेड एंड इट इज कंसिडर्ड इन कंपाउंड प्रपोजिशन। अब इसके बारे में क्या है क्या नहीं वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव मी अ मोमेंट प्लीज, लेट मी डू वन थिंग। यस नाउ देयर इज नो मच रिफ्लेक्शन ऑन द स्क्रीन। यस, तो पहला जो आपका कंपाउंड प्रपोजिशन का यूज है वो कहता है टू मीन हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट, वही है जो मैंने आपको ओवर बताया था ना लास्ट टाइम, याद होगा आपको। यहाँ ओवर हमने लास्ट टाइम एज अ सिंपल प्रपोजिशन को किया था, लास्ट सेशन हमारा ओवर का ही था, आई होप आपको भी पता होगा, याद होगा। तो मैंने आपको बताया था जब कोई कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर होता है लेकिन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं होता है देन हम ओवर का यूज करते हैं। ऐसा ही अबव भी है। आपको अबव की हिंदी पता है क्या होती है, अबव की हिंदी होती है ऊपर, है ना। अबव की हिंदी क्या होती है, ऊपर। जैसे आपने आपने इस तरह के सेंटेंसेस में जरूर देखा होगा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द अबव वर्ब्स या द अबव सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, इस तरीके से। अबव की हिंदी ध्यान रखिएगा क्या होती है, ऊपर होती है, लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है, ऊपर। अगर हिंदी मैंने गलत लिखा तो माफी दे देना, ठीक है। बाकी ऊपर है किसकी हिंदी, अबव की। अब अबव का मतलब हम ऊपर कैसे यूज करेंगे, ठीक है, जब कोई भी थिंग, ठीक है, कोई भी थिंग, ठीक है, हमारे ऊपर होगी लेकिन डायरेक्टली टच में नहीं होगी, डायरेक्टली टच में नहीं होगी, जैसे ओवर का यूज होता है। जो डायरेक्टली टच होती है उसके लिए अलग बता दूंगा बाद में, है ना। तो उसके लिए किसका यूज करोगे, अबव का यूज करोगे। जैसे देयर इज नो फ्लोर अबव योर हेड। अब सिंपल सी बात है, मैं जो है सपोज करो थर्ड फ्लोर पे हूँ, ऊपर भी एक फ्लोर है, तो
जो ऊपर वाला फ्लोर है वो डायरेक्टली मेरे टच में तो नहीं है ना, है ना, तो यानी कि है वो मेरे ऊपर ही जो फ्लोर है फोर्थ फ्लोर, लेकिन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो इसलिए अबव का यूज करूंगा। ओवर भी ऐसे ही यूज होता है, द फैन इज ओवर अस, है ना। तो इस तरीके से देयर इज नो फ्लोर अबव योर हेड, तुम्हारे सर के ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। अब सेकंड देखते हैं, टू मीन मोर देन और हायर देन, ठीक है, कंपैरिजन में यूज हो सकता है अबव, ठीक है, और अबव की हिंदी वही बनेगी। अगर अबव को कंपैरिजन में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। इट वेज अबव 10 किलोग्राम्स, इट वेज 10 अबव 10 किलोग्राम्स, तो यहाँ पे वेज का मतलब क्या हो गया, भारीपन, है ना, तो ये कितना भारी है, ये 10 किलोग्राम से ज्यादा है, 10 किलोग्राम से ज्यादा है। मैंने आपको ओवर भी बताया था, ओवर को भी मोर देन मीनिंग की तरह यूज कर सकते हैं, बताया था ना, ऐसे ही अबव भी है, अबव को भी आप मोर देन या हायर देन की फॉर्म में या सेंस में यूज कर सकते हो। इट वेज अबव 10 किलोग्राम्स मतलब कि भाई वो 10 किलोग्राम से ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद है हेल्थ इज वैल्यूड अबव वेल्थ, और इस तरह के सेंटेंसेस में जरूरी नहीं है हमेशा क्वांटिटी को ही आप लो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप जब भी कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, तो क्वांटिटी ही लो, इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हेल्थ है और ये वेल्थ है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये क्वांटिटी नहीं दर्शा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप अबव का यूज कर सकते हो कंपैरिजन के लिए। हेल्थ इज वैल्यूड अबव वेल्थ मतलब जो हेल्थ है उसकी वैल्यू ज्यादा की जाती है किससे, वेल्थ से, है ना। चलिए थर्ड देखते हैं, टू मीन बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब क्या हो गया, आगे बताया था लास्ट टाइम, है ना, बियॉन्ड एक तरह का सिंपल प्रपोजिशन है, ठीक है, नहीं सिंपल प्रपोजिशन नहीं है, एक कंपाउंड प्रपोजिशन में आ जाएगी। बियॉन्ड का मतलब था के आगे, जैसे आई लिव अबव माई एरोगेंस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि भाई आप अबव को बियॉन्ड की जगह रख सकते हो, ठीक है, बियॉन्ड की हिंदी होती है के आगे, या ऊपर भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही अबव की तरह आप यूज कर सकते हो। आई लिव अबव माई एरोगेंस, मैं अपने घमंड से, ठीक है, अपनी ईगो से ऊपर जीता हूं, है ना, कितना मस्त स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, मैं अपने घमंड से आगे चलता हूँ या अपने घमंड से आगे जीता हूँ, इस तरीके से। द टास्क इज अबव मी, द टास्क इज अबव मी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ये टास्क ये काम मेरे से ऊपर है, मेरे से ऊपर मतलब मेरे बस की नहीं है, मेरी कैपेसिटी मेरी एफिशिएंसी से ऊपर है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मेरी जो कैपेसिटी है, पावर है, स्ट्रेंथ है, उससे आगे है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बियॉन्ड भी फिट करते तो भी फिट हो जाता, फिर भी सेंस बनता। दिस टास्क इज बियॉन्ड मी, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, इस तरीके से, यानी कि मेरी कैपेसिटी से बाहर है। नेक्स्ट है टू मीन मोर देन इन वैल्यूज लव फेम मनी एटसेट्रा, वही है, अलग अलग तरीके के सेंटेंस बन सकते हैं, मीनिंग वही बनता है, ठीक है। अ सोल्जर शुड वैल्यू ऑनर अबव लाइफ, बोला जाता है कि भाई एक सोल्जर है उसको अपनी जो ईमानदारी है उसको अपनी लाइफ से ऊपर रखनी चाहिए, ठीक है, तो वही है जो हमने ऊपर पढ़ा मोर देन, ठीक है, जो अबव होता है वो मोर देन या हायर देन का रूप ले लेता है, ठीक है, और इस तरह के सेंटेंसेस जहां पे वैल्यू बतानी हो, लव फेम मनी, इस तरह के सेंटेंसेस में। यू ड्रैंक वाइन अबव योरसेल्फ, ठीक है, मोर देन योर कैपेसिटी मतलब तुमने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वाइन पी लिए, दारू पी लिए, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अबव इस तरीके से यूज कर सकते हो, वही बनेगा मोर देन योरसेल्फ। नेक्स्ट है गॉड इज अबव ऑल, तो ये तो सेंटेंस बहुत ही फेमस है, कॉमन है, पॉपुलर है, पता होगा इसका मतलब कि भाई गॉड सबसे ऊपर है, अनअप्रोचेबल मतलब कोई इतना ऊपर है कि कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता, है ना, तो वही है मोर देन ऑल। आई विल फेवर यू अबव अदर्स, इसका मतलब क्या हो गया, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, फेवर करूंगा सबसे ज्यादा, ठीक है, या सबसे ऊपर, है ना, तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हो, यहाँ पे प्रेफरेंस की बात हो रही है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हो अबव को। तो पर्स एक प्रपोजिशन पर स्लाइड मैंने यूज किया है, ठीक है, तो एक स्लाइड में पूरी मैंने ट्राई किया है कि भाई एक कंपाउंड प्रपोजिशन आ जाए, तो इस स्लाइड में अपना अबव कंप्लीट हो गया, अबव में इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एंड अगर आप करने की कोशिश करोगे यू विल डेफिनेटली वेस्ट योर टाइम, सो बिलीव मी एंड बिलीव माई नोट्स, ठीक है, तो जितना करा दिया है उतना ही ध्यान रखना, आपके SSC पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बोल रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब है आपका अक्रॉस, अक्रॉस पता ही है आपको, लास्ट टाइम भी बताया था, अक्रॉस कैसे बना है, अक्रॉस कैसे बना है बता दो, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, मैं अब प्रूव करूंगा आपको कि भाई कंपाउंड प्रपोजिशन कैसे बनती है, ठीक है, कंपाउंड प्रपोजिशन में हम बनाया जाता है, कंपाउंड प्रपोजिशन बनाई जाती है किसी भी वर्ड में, आप कोई भी वर्ड ऐड कर दो या लेटर ऐड कर दो, ठीक है, तो वो कंपाउंड प्रपोजिशन बन जाती है। जैसे यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस एक वर्ब है, ठीक है, इस वर्ब में मैंने आर्टिकल ए जो कि एक प्रपोजिशन का ही काम करता है, कैसे करता है बाद में बताऊंगा, ये ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, क्रॉस बन गया, ठीक है, तो ये इस तरीके से कंपाउंड प्रपोजिशन है, कंपाउंड प्रपोजिशन बनाई जाती है, तो इसको क्रॉस जो कि एक वर्ब है इसके साथ ऐड करके बना दिया अक्रॉस। अक्रॉस का अब यूज देखेंगे क्या है, टू मीन फ्रॉम वन साइड टू अदर, सिंपल सी बात है, अक्रॉस
क्रॉस प्रपोजिशन वही काम करता है जो वर्ब क्रॉस काम करती है. क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस करना, पार करना, वही क्रॉस का मतलब है. बट ये एज अ प्रपोजिशन की तरह काम करती है, बस यही डिफरेंस है. वहां पे वो वर्ब की तरह काम करती है, यहाँ पे अक्रॉस प्रपोजिशन का काम करता है. ही वॉक अक्रॉस द ब्रिज, इसका मतलब क्या हो गया, वो चला, क्रॉस आ गया. अब यहाँ पे क्रॉस मतलब वो चला, कैसे चला, क्रॉस करते हुए चला, किसको, ब्रिज को, है ना, इस तरीके से. गिव मी अ मोमेंट प्लीज. चलिए उसके बाद क्या है नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस पोजीशन और ओरिएंटेशन. पोजीशन और ओरिएंटेशन पता होगा क्या होता है ना, तो पोजीशन को एक्सप्रेस करवाने के लिए अक्रॉस का यूज होगा. ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम ईच अदर, समझ में आ गया कि भाई वो ऐसे वहां पे गली में रहता है जो आपस में अक्रॉस है, समझ में आ गया, क्रॉस मतलब वही है. ठीक है, तो इस तरीके से पोजीशन होती है उसको इंडिकेट करवाने के लिए किसका यूज होगा, क्रॉस का. ठीक है, वो जहां रहता है वो ऐसी स्ट्रीट है जो आपस में क्या है, क्रॉस करती है. अक्रॉस इतना ही था, इससे ज्यादा क्रॉस में पढ़ने की जरूरत नहीं, कदापि भी नहीं. ठीक है, सो डू नॉट ट्राई टू लाइक मेक अननेसेसरी एफर्ट्स, ठीक है, इन सीकिंग फॉर मोर यूजेस, जरूरत नहीं है. तो अक्रॉस कंप्लीट हो गया. अब बात करेंगे अलोंग की. अलोंग, अलोंग बच्चा पता होगा. ठीक है, लॉन्ग में ए जो कि एक तरह का प्रपोजिशन ही है डाल दिया, तो क्या बन गया, अलोंग बन गया. ठीक है, अलोंग कैसे यूज होता है, अलोंग आपने अलोंग विद के साथ देखा होगा, है ना, तो कैसे यूज होगा देख लेते हैं. इंडिकेट मोशन इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन. ठीक है, मोशन को इंडिकेट करता है जो कांस्टेंट डायरेक्शन में होता है. कांस्टेंट मतलब लगातार, इंसिडेंटली, है ना. जैसे वी वर वॉकिंग टूगेदर अलोंग अ नैरो रोड. ठीक है, हम जो है साथ चल रहे थे नैरो रोड के, मतलब नैरो रोड के टच में. ठीक है, एक डायरेक्शन में, या नैरो रोड के डायरेक्शन में. नैरो रोड अगर नॉर्थ में जा रही है तो हम नॉर्थ में चल रहे हैं, इसका मतलब टच करना भी होता है. या सपोज करो कि भाई आई एम वॉकिंग अलोंग द स्क्रीन. ठीक है, तो मतलब बिल्कुल इसके ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि टच करने की जरूरत है, बिल्कुल इसके इसके डायरेक्शन जाए जा रहा है. इस तरीके से अलोंग इस तरीके से यूज होता है, टू बी इन अ, टू मूव इन अ कॉन्स्टेंट डायरेक्शन. सेकेंड है टू मीन बाय द साइड ऑफ, वही होगा ना. देखो सेकेंड इसका रूल वही है जो मैं आपको बता रहा था, किसी के साइड में चल के साथ चलना. ठीक है, जैसे अगर मैं सीधा चलता हूं तो मैं किसकी साइड में चल रहा हूँ, मैं स्क्रीन की साइड में चल रहा हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से यूज कर सकते हो क्या आप अलोंग का. जैसे एग्जाम्पल, आई जस्ट पार्क्ड माय कार अलोंग द थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड क्या होता है, थ्रेशोल्ड होता है आपने देखा होगा, हाँ, हिंदी में शायद चबूतरा बोलते हैं. ठीक है, जब आप किसी घर में मंदिर में जा रहे होते हैं तो जो बने होते हैं बिल्कुल दरवाजे के आगे, उसे थ्रेशोल्ड बोला जाता है. हिंदी में शायद कुछ और भी बोलते थे, पता नहीं, लाइक द बिगिनिंग ऑफ एंट्रेंस, है ना. तो आई जस्ट पार्क्ड माय कार अलोंग द थ्रेशोल्ड, इसका मतलब क्या हो गया बताइए. इसका मतलब हो गया कि मैंने अपनी कार पार्क करी अलोंग द थ्रेशोल्ड, मतलब जो थ्रेशोल्ड है बिल्कुल उसके साइड में. ठीक है, तो मतलब बिल्कुल ऑलमोस्ट जब तुम किसी के टच होते हुए कुछ काम करते हो, चलते हो, रुकते हो, जाते हो, मोशन में होते हो, तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, अलोंग का यूज करोगे. ठीक है, आई जस्ट पार्क्ड माय कार अलोंग द थ्रेशोल्ड, आई होप समझ में आ गया होगा. एंड विद दिस अलोंग भी कंप्लीट हो गया है. ठीक है, अलोंग में से ज्यादा पढ़ने का कुछ है ही नहीं. बस अलोंग के साथ ध्यान रखना, अलोंग का एक फ्रेज बनता है, मतलब अलोंग विद. ठीक है, वो आपको मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कराऊंगा, इसका मतलब वो ही होता है कि जो साथ साथ में होता है, बिल्कुल टच में, कंधे से कंधा मिला के ऑलमोस्ट. ठीक है, अलोंग विद हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में. अब बात करेंगे अमंग की. अमंग क्या कहता है, अमंग कब यूज करते हैं, अमंग देखा होगा, अमंग बिटवीन सुना होगा. ठीक है, अमंग का मतलब होता है बीच में, है ना, या के बीच. ठीक है, व्हेन व्हेन यू टॉक अबाउट मोर देन टू पर्सनालिटीज, टू थिंग्स, टू एंटिटीज, मोर देन होना चाहिए टू. ठीक है, तो मतलब जब आप बात करते हो दो से ज्यादा का, है ना, जब आप बात करते हो दो से ज्यादा का. ठीक है, दो से ज्यादा के बीच में, चाहे वो दो से ज्यादा कुछ भी हो, तब आप अमंग का यूज करोगे. ठीक है, दो के लिए क्या बना हुआ है, बिटवीन बना हुआ है. ठीक है, अब देख लेते हैं पहला, रिप्रेजेंट मोर देन टू पर्संस, थिंग्स और आइडियाज. जरूरी नहीं है वो फिजिकल हो, मतलब जो पर्सन है, थिंग्स है, जिसके बारे में दो से ज्यादा है वो फिजिकल हो, फिजिकल एंटिटी हो. नहीं, दो ऐसी चीजें भी हो सकती है जो क्या हो, फिजिकल नहीं हो, है ना, टचेबल नहीं हो, जैसे आइडियाज हो गया, है ना. एग्जाम्पल देख लेते हैं, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग द थ्री टॉपर्स ऑफ द क्लास. तो सिंपल सी बात है कि भाई जो टीचर है उसने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करी इसके बीच में, तीन टॉपर्स इसके क्लास के. वैसे तो टॉपर कोई वर्ड नहीं होता, फिर भी मैंने बना दिया था ताकि आप समझ जाओ, टॉपर कोई वर्ड नहीं होता. ठीक है, और जो भी टॉपर वर्ड होता है उसका मतलब वो नहीं होता जो हम सोचते हैं कि भाई जिसने टॉप मारा है. ये छोटी छोटी बातें मैं शॉर्ट्स में बताया करूंगा, बट अभी के लिए बस आप ध्यान रखो कि यहाँ पे टीचर ने चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करी अमंग द थ्री टॉपर्स ऑफ द क्लास. ठीक है, तीन क्लास के टॉपर के बीच में.
है, और यहाँ पे थ्री क्या है, दो से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे अमंग का यूज हुआ है। दे फॉट अमंग देमसेल्स, ठीक है, वो आपस में भिड़ गए, ठीक है, वो आपस में ही भिड़ गए। कैसे पता लगाओगे, यहाँ पे देमसेल्स में दो से ज्यादा है क्योंकि अमंग आ रहा है ना, तो मतलब कि जब भी सेंटेंस में अमंग आ जाए तो समझ जाना वहां पे जितनी भी एंटिटीज हैं वो दो से ज्यादा है, ठीक है, जितनी है दो से ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मीन इन द मिडस्ट ऑफ पीपल और थिंग्स, मिरर्स मतलब क्या होता है, मिरर्स मतलब होता है बीच में, वही मैंने आपको जो पहले बता दिया है, ठीक है। तो भाई टू मीन इन द मिरर्स ऑफ पीपल और थिंग्स, पीपल या थिंग्स के बीच में जब आप बात करो तो किसका यूज करोगे, अमंग का यूज करोगे। जैसे ही वॉज सिटिंग अमंग हिज पीपल्स, पीपल्स क्या होता है, ठीक है, ये है पीपल और ये है पीपल, तो दोनों में फर्क है। पीपल मतलब होता है मतलब चेले, है ना, शिष्य आप बोल सकते हो। तो ही वॉज सिटिंग अराउंड अमंग हिज पीपल्स, इसका मतलब क्या हो गया, वो बैठा था अपने पीपल्स के बीच में, शिष्यों के बीच में, और यहाँ पे अमंग लग गया तो सिंपल सी बात है पीपल दो से ज्यादा है। अमंग एक इंडिकेशन होती है जो भी एंटिटी है वो दो से ज्यादा होगी। I was standing among the among large trees. I was standing among large trees. यानी कि मैं बड़े बड़े, ठीक है, पेड़ों के बीच में खड़ा था, मैं बड़े बड़े पेड़ों के बीच में खड़ा था। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है वो लार्ज जो ट्रीज हैं वो दो से ज्यादा ही थे, यानी कि इतने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज करोगे वॉट अमंग, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। आई थिंक ये स्लाइड केवल अमंग के लिए थी, आगे मैंने अमंगस्ट बनाया था, अमंग और अमंग्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। कभी कभार आपको इंस्टेड ऑफ अमंग अमंग्स भी दिख जाएगा, पर इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्यों एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं कि भाई जब दोनों का कॉमन यूज है। एक हल्का सा डिफरेंस होता है अमंग और अमंग्स में, लेकिन वो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में हो सकता है कि भाई आपको फिलअप दिया गया हो और वहां पे अमंग और अमंग्स का चॉइस दे दिया गया हो, तो हो सकता है वहां पे अमंग्स ही आए अमंग ना आए। अमंग्स और अमंग में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। ये जो अमंग्स होता है इज यूज्ड टू मीन द सेम, वो ही बताता है जो अमंग बताता है, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अमंग का मतलब होता है के बीच में, दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। अमंग्स का मतलब ये होता है के बीच में, दो से ज्यादा के लिए होता है। देयर इज नो डिफरेंस इन यूज, यूज में कोई डिफरेंस नहीं है और मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम मीनिंग सेम यूज। डिफरेंस क्या है, अमंग इज मोर फॉर्मल, अमंग ज्यादा फॉर्मल है अमंग्स से, एक ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो मतलब कि अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हो और फॉर्मल पैराग्राफ लिख रहे हो, ठीक है, या कोई ऐसी बात जो ऑफिशियल है लीगल है, तो उस केस में अमंग का यूज करना, अमंग्स का नहीं। अब एक डिफरेंस और है, जनरली अमंग्स इज यूज बिफोर अ पर्सन थिंग और आइडियाज द फर्स्ट लेटर ऑफ विच बिगिंस विद एनी वाउल, ये ही है। अगर आपको कोई वर्ड दिख रहा है, ठीक है, और वो वर्ड स्टार्ट हुआ है वाउल की साउंड से, वाउल की साउंड से स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे अमंग्स का यूज होगा। यानी कि अमंग्स एक ऐसे वर्ड से पहले आता है जो जिसका लेटर पहला वाउल है या वाउल की साउंड है, ठीक है। जैसे ही स्टूड अमंग या अमंगस्ट एलिफेंट्स, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट्स है और यहाँ पे ये क्या आपका वाउल की साउंड आ गई है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जब भी आपके सामने आपको दिखे क्या, आपको जब भी सामने आपके दिखे वाउल, ठीक है, ए ई आई ओ यू या उसकी साउंड, ठीक है, मतलब साउंड पे ध्यान देना, फोकस तो साउंड पे ही करना होता है ना। तो साउंड की बात आ जाए तो किसका यूज करोगे, अमंग्स का, अमंग का नहीं करोगे, है ना। यू आर द बेस्ट अमंग अस, तो सिंपल सी बात है, यू आर द बेस्ट अमंग्स अस, तो यहाँ पे अस है, ठीक है, और अस में साउंड किसकी आ रही, वाउल की आ रही, तो इसलिए अमंग्स आता है अस से पहले हमेशा। एंड विद दिस अमंग्स भी क्लियर हो गया, ठीक है। अमंग और अमंग्स में कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस ये है कि अमंग ज्यादा फॉर्मल है, और दूसरा अगर कोई वर्ड है उससे पहले क्या है लेटर वाउल की साउंड कर रहा है तो अमंग्स यूज करना, अमंग नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अराउंड, अराउंड भी बहुत सिंपल है, ठीक है। अराउंड का मतलब क्या होता है, ये किससे बना है, ये ए प्लस राउंड से बना है। तो क्लियर हो रहा है कि कंपाउंड प्रपोजिशन सिंपल प्रपोजिशन में क्या फर्क है। सिंपल प्रपोजिशन को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कंपाउंड प्रपोजिशन को बनाना पड़ता है, ठीक है। और ये ए को ये मत सोचना ये लेटर है, ये एक तरह की प्रपोजिशन ही होती है, इसे वीक प्रपोजिशन बोला जाता है। और ये हम पढ़ेंगे कब, ये हम पढ़ेंगे आगे। चलिए पहला है अराउंड का यूज इन प्लेस ऑफ अबाउट। अबाउट आपको पता है, अबाउट की हिंदी क्या होती है, बारे में, के बारे में, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेस अबाउट के देखेंगे आगे, लेकिन अभी ध्यान रखो अराउंड अबाउट की जगह ले सकता है। जैसे द टीचर एंटर्ड द क्लास अराउंड 9 AM, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई 9 AM अगर कभी आपको अराउंड टाइम से पहले दिखे ना, टाइम से पहले, तो वहां पे लगभग मान लेना, ठीक है। अराउंड 9 AM का मतलब पता है क्या है, अराउंड 9 AM का मतलब है 9 बजे के आसपास, चाहे वो 9 से हल्का सा पहले हो, चाहे 9 बजने के हल्का सा बाद में हो, ठीक है। तो अराउंड ऐसे यूज करते हो टाइम से पहले,
टीचर ने क्लास में एंटर किया 9 बजे के आसपास, एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता। ही रीच द स्टेशन अराउंड 8 AM, वो स्टेशन पे पहुंचा अराउंड 8 AM, 8 बजे के आसपास, चाहे 7:59 AM हो या 8:01 AM हो, ठीक है, एग्जैक्टली 8 AM नहीं है। चलिए नेक्स्ट, टू मीन अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली सुना है, देखा होगा है ना, अप्रोक्स, अप्रोक्स मतलब जितना ज्यादा हो सके है ना, ज्यादा से ज्यादा है ना, या ज्यादा वैल्यू में रखो उसको समझो, ठीक है, या मैक्सिमम, ठीक है। तो टू मीन अप्रोक्सीमेटली की जगह आप किसका यूज कर सकते हैं, अराउंड का, यानी कि अगर कोई सेंटेंस है ऐसा जिसमें अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली आ रहा है तो वहां पे आप अराउंड भी यूज कर सकते हो, लाइक देयर अराउंड 8 स्टूडेंट्स इन द क्लास, वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने थे, 8 बच्चे थे। तो यहाँ पे अराउंड किसकी जगह यूज हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली का, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा 8 बच्चे थे क्लास में, ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ जो है ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगाती किसका, सन का, किसका, सन का। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो वॉट, अराउंड इंस्टेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली, है ना, सिंपल है ना, मुश्किल तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ, सॉरी थर्ड, टू मीन ऑन एवरी साइड ऑफ, देखो जब अराउंड टाइम के लिए लगेगा तो उसका मतलब होगा आसपास, ठीक है, जब अराउंड किसके लिए लगेगा, प्लेस के लिए लगेगा, यहाँ पे अराउंड प्लेस के लिए लग रहा है तो उसका मतलब होगा टू एवरी साइड ऑफ दैट थिंग या दैट प्लेस, ठीक है। इसका मतलब ढंग से समझेंगे, क्या कह रहा है, द मॉल वॉज बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, ठीक है, सपोज करो कोई कोर्टयार्ड है, ठीक है, और मॉल बना है अराउंड, जैसे समझोगे अराउंड मतलब समझ में आ रहा है ना, अराउंड मतलब राउंड, ठीक है। अब राउंड में क्या होता है, एवरी साइड को देखा जाता है, तो ये वो ही बोल रहा है, यानी कि अराउंड ये है, ये कोर्टयार्ड है और ये क्या हो गया, अराउंड कोर्टयार्ड के अराउंड में क्या बना है, मॉल बना है। आई होप समझ में आ गया होगा। राउंड जब टाइम के लिए यूज करोगे तो उसका मतलब होगा आसपास, ठीक है, और जब प्लेस के लिए यूज करोगे लाइक ओवर हियर तो वहां पे उसका मतलब होगा एवरी साइड ऑफ। हिंदी में कुछ भी कैसे भी आप समझ सकते हो, इंग्लिश में पहले कंसेप्ट को ध्यान रखो कि अराउंड का मतलब है कि भाई उसकी एवरी साइड के आसपास, ठीक है, यूं नहीं कि भाई अगर कोर्टयार्ड यहाँ बनाया तो भाई मॉल यहाँ बन गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। अराउंड मतलब ये बिल्कुल कोर्टयार्ड के एवरी साइड पे, ठीक है, ऐसा वीन डायग्राम सा बना दिया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अराउंड कंप्लीट हो गया इस वाले में। अब है अमिड और अमिडिस्ट, ठीक है, दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों सिंपल है, ठीक है, दोनों यूज हो जाते हैं ठीक ठाक, ठीक है, स्पीकिंग में तो मैंने बहुत कम सुना है लेकिन रिटन में मैंने बहुत बार देख रखे हैं, तो प्रेपोजिशन कंपाउंड प्रेपोजिशन दोनों कैसे यूज होते हैं देख लेते हैं। बोथ ऑफ दीज प्रेप्स आर यूज टू मीन इन द मिडल ऑफ, सिंपल सी बात है, अमिड का मतलब क्या है, बीच में ना, ये किससे बना है, अ मिडल ऑफ, है ना, अ मिडल ऑफ, ठीक है, इसको शॉर्ट में अमिड बोल दिया है ना, ये इनका मतलब क्या होता है, इन द मिडल ऑफ, इन दोनों का मतलब है इन द मिडल ऑफ के बीच में। यूजेस देख लेते हैं, बिफोर इनडेफिनेट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं जो इनडेफिनेट है, जिनका हमें नंबर ना पता हो, ठीक है। अमंग हम कब लगाएंगे, जब हमें पता है कि दो से ज्यादा है, ठीक है, बिटवीन कब लगाएंगे, जब हमें पता है दो है, लेकिन अमिड कब लगाएंगे, जब हमें नहीं पता है कि कितने हैं, ठीक है, तो इसलिए यूज होगा कब आपका, अमिड और अमिडिस्ट। जैसे हाउस स्टैंड्स अमिड ये अमिडिस्ट ट्रीज, अभी यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, जो हाउस है वो कहाँ है, पेड़ों के बीच में है, पेड़ों के बीच में, बट वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ ट्रीज, वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं, ही वॉज सिटिंग अमिड ये अमिडिस्ट चिल्ड्रन, ठीक है, वो बैठा था बच्चों के बीच में, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, वो बैठा था बच्चों के बीच में, बट वी डू नॉट नो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन देयर, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बिफोर अनकाउंटेबल नाउंस, अमंग और बिटवीन अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं लगता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं लगता है। अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन से पहले या आपको बोलना है इन द मिडल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करोगे, यही प्रेपोजिशन का यूज होगा, ठीक है, और दोनों में पता है ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये कब यूज होगा, वही जैसे अमंग यूज होता है वाउल के वाउल की साउंड हो उससे पहले, और अमिड यूज होगा कॉन्सोनेंट हो उसकी साउंड से पहले, लेकिन ये बहुत ही माइनर डिटेल है इसलिए मैंने ऐड नहीं की है, इतना गहराई में नहीं जाएगा एग्जामिनर कि भाई एक तो अमिडिस्ट और अमिड दे रहा है, बहुत कम आते हैं, ठीक है, दूसरा अनकाउंटेबल से पहले दे रहा है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले, उसके बाद भी
कोई ऐसे वर्ड से पहले दे रहा है जो अनकाउंटेबल नाउन है और वो वाउल की साउंड कर रहा है इन द बिगिनिंग, ऐसे इतनी गहराई में नहीं जाएगा, पागल नहीं है वो, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अमिट और अमिरिस्ट यूज होते हैं कोई ऐसे नंबर से पहले, कोई ऐसा वर्ड से पहले जो इनडेफिनेट हो, और दूसरा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन से पहले अगर आपको उस सेंस लाना है इन द मिडल ऑफ दैट थिंग, तो केवल एक ही प्रपोजिशन है जो है अमिड या अमिडिस्ट, ठीक है। अमंग, बिटवीन, अमंगस्ट कुछ यूज नहीं होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जैसे फादर्स फेवरेट स्पून वॉज फाउंड अमिड अमिडिस्ट द रैकेज ऑफ द कार। अब यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है। रैकेज मतलब पता ना क्या होता है, अरे रैकेज की स्पेलिंग गलत हो गई, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। फादर्स फेवरेट स्पून वॉज फाउंड अमिड या अमरिस्ट द रैकेज ऑफ द कार, मतलब जो टूट फूट के जो बस्ता है, ठीक है, वो अनकाउंटेबल। आपको बताया ये जितने भी कुछ वर्ड्स होते हैं ना जिसके आखिर में एज होता है, एज जैसे लगेज, बैगेज है ना, और ठीक है और भी है अभी याद नहीं आ रहे, तो ये सारे क्या होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो रैकेज भी क्या एक तरह का अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले किसका यूज हुआ, इन दोनों का हो सकता है भाई, इनके बीच में जो कूड़ा करकट पड़ा था किसका, कार का, मतलब उसका जो पार्ट था बचा हुआ टूट फूटने के बाद, उसके बीच में क्या पाई गई है आपकी, फादर की फेवरेट स्पून पाई गई है, ठीक है, चम्मच पाई गई है फादर की फेवरेट। तो इस तरीके से आप यूज करोगे क्या आपका अमिड और अमिरिस्ट। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, तो ये मत कहना कि भाई बहुत स्पीडी हो गया हूँ या कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई एम डूइंग माई बेस्ट, आई नो दैट, बाकी आप भी खुद जज हो। चलिए अब आप अबाउट के बारे में बात करेंगे। अबाउट के थोड़े ज्यादा यूजेस हैं, मैंने इंक्लूड करे हैं, वो क्या है देख लेते हैं। अबाउट आपको पता ही, अबाउट वैसे अब तक की हिंदी आपने सुनी होगी ये बारे में है ना, लेकिन हर वक्त नहीं। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ जो प्रपोजिशन होती है उसका कोई स्पेसिफिक हिंदी नहीं होती है, तो वैसे तो अबाउट की हिंदी ये बारे में होती है लेकिन हर एक सेंटेंस में नहीं होगी। अब देखते हैं कैसे कैसे। टू शो कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंता व्यक्त करने के लिए अबाउट का यूज होगा। उसे वॉट आर यू सो नर्वस अबाउट, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई तुम किस बारे में नर्वस हो, ठीक है, किस चिंता में हो तुम। Nobody knows anything about me. कोई नहीं जानता मेरे बारे में, कोई नहीं जानता मेरे बारे में, यानी कि कंसर्न किसका, मेरा, कोई नहीं जानता। इस तरीके से समझ में आ गया ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, कंसर्न वो अबाउट का यूज होगा। नेक्स्ट है इन प्लेस ऑफ अराउंड, जैसे अराउंड यूज हो सकता था अबाउट के लिए है ना, वैसी अबाउट भी अराउंड की जगह आ सकता है, सिंपल सी बात है, इंटरचेंजेबल है, ठीक है। अराउंड यूज होता था टाइम के लिए और प्लेस के लिए, अब अबाउट देखते हैं कैसे यूज होगा। ही डज नॉट नो हाउ टू वियर अ बेल्ट अबाउट अ वेस्ट, वैसे तो यहाँ पे अराउंड भी आ सकता है ना, वैसे यहाँ पे अराउंड भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि अराउंड, अराउंड का मतलब क्या होता है, आसपास और एवरी साइड ऑफ, ठीक है। तो जब भी अराउंड की बात होगी तो वहां पे सूट करेगी अराउंड, ठीक है। तो ही डज नॉट नो, उसे नहीं पता कि भाई बेल्ट कैसे पहने वेस्ट के अराउंड है ना, वेस्ट के अराउंड, तो वहां पे अराउंड भी आएगी और अबाउट भी आ सकती है। तो अगर आपको दिखता है, आपको सेंटेंस में दिखता है कि भाई अबाउट यूज कर रखा है और यहाँ पे अराउंड आना चाहिए था, तो ये सोच के रखना कि अबाउट भी आ सकता है, क्योंकि अबाउट भी जगह ले सकता है अराउंड की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मीन अप्रोक्सीमेटली, जैसे अराउंड अप्रोक्सीमेटली का काम करता है वैसे ही अबाउट भी कर सकता है, लाइक इट इज अबाउट 8 o'clock, इट इज अबाउट 8 o'clock, कि भाई ज्यादा से ज्यादा 8 बज रहे हैं, ठीक है। तो हर वक्त अबाउट की हिंदी के बारे में नहीं होती है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, अगर आप हिंदी पे फोकस करते हो वाइल लर्निंग इंग्लिश, तो ध्यान रखना कि प्रपोजिशन की कोई स्पेसिफिक हिंदी नहीं होती है, इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस टू सेंटेंस, ठीक है। चलिए फोर्थ, टू मीन हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर मतलब इधर उधर, ठीक है। तो जब भी इधर उधर बोलना हो आपको, तो आप अबाउट का यूज कर सकते हो, जैसे यू कैन मूव अबाउट, तुम इधर उधर जा सकते हो, हाँ। तो मूव के साथ इस सेंस में अबाउट का यूज होता है, जिसका मतलब होता है हेयर एंड देयर, तुम इधर उधर जा सकते हो, हेयर एंड देयर, तुम इधर उधर जा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका फिफ्थ वाला यूज किसका, अबाउट का, टू मीन बींग बिजी डूइंग समथिंग, जब आप कुछ करने में बिजी हो, तो उस तरह के सेंटेंस यूजिंग अबाउट कैसे बनते हैं, वॉट आर यू अबाउट बन सकता है, सिंपल है, इस तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं। मीनिंग वही है, तुम कहाँ क्या करने में बिजी हो, ठीक है, कहाँ नहीं, तुम क्या करने में बिजी हो, उसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है टू शो अ जनरल स्टडी, ठीक है, जनरल स्टडी का मतलब क्या हो गया, सर्वे सुना, जनरल सर्वे होता है, ये जनरल स्टडी होती है, ठीक है, उसके लिए आप अबाउट का यूज करते हो, लाइक चार्ल्स डिकेंस हैज रिटन अ स्टोरी अबाउट द हॉन्टेड हाउस, ठीक है, जो चार्ल्स डिकेंस है, ठीक है, उन्होंने एक स्टोरी लिखी है अबाउट द हॉन्टेड हाउस, तो यहाँ पे हॉन्टेड हाउस क्या है, जनरल स्टडी है, तो उसके लिए किसका यूज करा है, अबाउट,
तो यहां पे आप सोच सकते हो कि अबाउट की हिंदी हो जाएगी के बारे में, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहां पे शो अ जनरल स्टडी, जनरल का मतलब क्या हो गया, आम तो मतलब पब्लिक या आम जो आम स्टडी होती है उसके लिए आ सकता है इस तरीके से अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंडिकेट दैट समथिंग इज गोइंग टू बिगिन, मतलब कुछ होने वाला है। जब आपको हिंदी बनानी है ना, वाला है, करने वाला हूं, नहाने वाला हूं, धोने वाला हूं, इस तरीके से जो इंग्लिश में सेंटेंस बनते हैं उसमें क्या करना है आपको, अबाउट के साथ इंफिनिटिव का यूज कर लेना है, अबाउट प्लस टू, ठीक है, अबाउट प्लस टू, इस तरीके से। द शो इज अबाउट टू बिगिन, द शो इज अबाउट टू बिगिन। अब यहां पे इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि शो शुरू होने वाला है। तो जब भी आपको वाला वाली बात लानी है ना, वाला है या वाला था, तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, अबाउट प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि अबाउट प्लस। आई एम अबाउट टू लीव फॉर दिल्ली, आई एम अबाउट टू लीव फॉर दिल्ली का मतलब क्या हो गया, मैं दिल्ली को निकलने वाला हूँ, मैं दिल्ली के लिए निकलने वाला हूँ। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आने वाली है, इस तरीके से। उसके बाद है आपका कुछ वर्ब्स होती है और नाउन्स होते हैं जो केवल अबाउट यूज करते हैं अपने साथ, अबाउट का यूज करते हैं। कुछ वर्ब्स और कुछ नाउन्स वो हैं रीड, टीच, स्टोरी, नो, थिंक, क्वेरल, इग्नोरेंस। क्वेरल मतलब पता ना क्या होता है, लड़ाई, झड़प, जैसे ये कुछ वो वर्ब्स हैं, ठीक है, और वो नाउन्स हैं जो हमेशा अबाउट को यूज करेंगे अपने साथ। दे क्वेरल अबाउट द किंगडम, वो झगड़े इसके लिए, किंगडम के लिए। ही नोज अबाउट माई टैलेंट, उसे मेरे टैलेंट के बारे में पता है। John pretends ignorance about his dishonesty, about he नहीं आएगा, about his आएगा। John pretends ignorance about his dishonesty behind his success. तो John मतलब ignorance का मतलब क्या हो गया, बताओ, अब तुम बताओगे मेरे को comment box में, ignorance का मतलब बताओ। ignorance का मतलब होता है मतलब बेवकूफ बनना, जिसको मतलब knowledge ना हो, जो मूर्ख हो, ठीक है, जिसको इग्नोर किया जा सकता हो। तो जॉन प्रिटेंड्स इग्नोरेंस मतलब कि भाई वो इग्नोरेंस प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है, या बेवकूफ बनने का दिखावा कर रहा है, या ऐसा दिखावा कर रहा है कि उसे नहीं पता किसके बारे में, डिसऑनेस्टी के बारे में, उसकी सक्सेस के पीछे जो है ना। ग्रैनी यूज टू टेल मी अ स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल्स फ्रेंडशिप, ग्रैनी मुझे एक स्टोरी सुनाया करती थी, बताया करती थी इसके बारे में, अकबर और बीरबल की फ्रेंडशिप के बारे में, ठीक है। अबाउट आपको कहाँ कहाँ यूज करना है, इन वर्ब्स के साथ तो पक्का यूज करना है अबाउट। रीड, टीच, स्टोरी, नो, थिंक, क्वेरल, इग्नोरेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अबाउट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब है अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब बताओ क्या होता है, अगेंस्ट मतलब आपको पता ही के खिलाफ, है ना। अगेंस्ट की हिंदी क्या बनती है मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज में, के खिलाफ, ठीक है, लेकिन सभी में नहीं बनती है, देख लेते हैं। पहला क्या यूज है, टू मीन अपोजिंग या डिसएग्रीइंग, मतलब अपोज करना, के खिलाफ हो ही है, किसी के अगेंस्ट हो जाना, किसी के खिलाफ हो जाना। व्हाई डिड यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट माई डिसीजन, इसका मतलब क्या हो गया, तुमने क्यों अपनी आवाज उठाई मेरे फैसले के खिलाफ। तो इस तरीके से आप हिंदी ध्यान रखना सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगेंस्ट की। पब्लिक ओपिनियन वॉज अगेंस्ट द आर्टिकल 370, जो पब्लिक का ओपिनियन था वो आर्टिकल 370 के अगेंस्ट था। ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, है ना, बाकी समझ में आ गया चाहिए आपको कि भाई यहाँ पे अगेंस्ट का मतलब क्या हो गया है। नेक्स्ट, टू मीन ऑपोजिट, टू मीन ऑपोजिट, ऑपोजिट का मतलब क्या हो गया, वही है, वही ऑलमोस्ट वही मतलब बन रहे हैं, ऑलमोस्ट वही सेंस बन रहा है, मतलब उल्टा, उल्टा जब आपको बोलना ना किसी के विपरीत कुछ बोलना हो तो अगेंस्ट का यूज करते, कहते नहीं है कि भाई ये मेरे अगेंस्ट है, मतलब वो मेरे विपरीत है, वो मेरे अपोजिट है, वो मेरे ऑपोजिट है, है ना। आई वॉज वॉकिंग अगेंस्ट द ट्रेन मूवमेंट, मतलब ट्रेन ऐसे आ रही थी मैं ऐसे जा रहा था, तो मैं ट्रेन की मूवमेंट के अपोजिट, अगेंस्ट, या क्या चल रहा था, उल्टा चल रहा था, विपरीत चल रहा था। वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, है ना, इस तरीके से यूज करना है। चलिए थर्ड, टू मीन टचिंग और हिटिंग समथिंग और समबडी, हाँ ये वाला ध्यान रखना, ये अगेंस्ट का रूल आपको बता रहा हूँ, ये मेट्रो वगैरह में आपको सुनने को मिलेगा, इफ यू ट्रेवल इन मेट्रो, ठीक है, तो वहां पे जो रोबोट है वो बोलता है, स्पीकर से आवाज आती है कि डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर, वहां पे अगेंस्ट क्यों लगाया जाता है लीन के साथ, जब हमें पता है कि हम खिलाफ थोड़ी ना हो रहे हैं डोर के। तो पहले जब मेरे को नहीं पता था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड एंड आई यूज्ड टू ट्रेवल इन मेट्रो व्हेन आई डिड नॉट नो इंग्लिश, है ना, और व्हेन आई डिड नॉट स्टार्ट टीचिंग इंग्लिश,
मुझे नहीं पता था कि, मैं सोचता था कभी कभार जितनी भी इंग्लिश आती थी मेरे को कि यहाँ पे डू नॉट लीन, लीन का मतलब मुझे पता था सटके खड़े होना, तो लीन के बाद अगेंस्ट क्यों लगा है? ठीक है, हम उस दीवार के खिलाफ थोड़ी ना खड़े हो रहे हैं, अपोजिट थोड़ी ना खड़े हो रहे हैं, वहां पे अपोजिट वाली तो कोई सेंस बन नहीं रहा था कि भाई आप दीवार के या डोर के जो है अपोजिट खड़े हो, वहां तो फीलिंग बन रही थी, वहां सेंस बन रहा था कि भाई टच में खड़े होने के लिए, तो हमें पता था, तब तक मुझे पता था अगेंस्ट जाता के खिलाफ के लिए या किसी के विपरीत के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, अपोजिट होने के लिए, लेकिन टच में खड़े होने के लिए अगेंस्ट नहीं आता। तो वाई वो जो है लेडी बोलती थी कि भाई डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर, तो इसलिए बोलती थी क्योंकि इसका एक और यूज होता है अगेंस्ट का, तो इसीलिए जो प्रेपोजिशन होती है उनकी स्पेसिफिक हिंदी नहीं होती है, डिपेंड करता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, द लेडर वॉज प्लेस सॉरी प्लेस्ड अगेंस्ट द ट्री, द लेडर वॉज प्लेस्ड अगेंस्ट द ट्री। अभी यहाँ पे लेडर के आपको पता है सीढ़ी होती है, अच्छा एक लेडर होता और एक स्टेयर्स होता है, दोनों में डिफरेंस पता है आपको? तो बताओ डिफरेंस बताओ, तुम्हें बताओ कमेंट बॉक्स में। द लेडर वॉज प्लेस्ड अगेंस्ट द डोर सॉरी अगेंस्ट द ट्री। अब यहाँ पे लेडर को जो पेड़ है, यह पेड़ और ये सीढ़ी है, ठीक है, ये पोजिशन की बात हो रही है ना, कि जो सीढ़ी है उसको ट्री के टच में खड़ा कर दिया गया था, तो यहाँ पे कोई अपोज वाली फीलिंग तो नहीं आ रही है। तो सिंपल सी बात है, अगेंस्ट का एक रूल और होता है, एक यूज और होता है, जब आप किसी के टच में या हिट करने वाली बात या सटके खड़े होने वाली बात करते हैं, कोई ऐसी पोजीशन जो सटके है किसी दूसरी चीज से, तो अगेंस्ट का यूज होता है। ये यूज मुझे बहुत बाद में पता लगा, और ये डू नॉट लीन अगेंस्ट द डोर इस तरीके से, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, टू मीन इन प्रेपरेशन फॉर, टू मीन इन प्रेपरेशन फॉर मतलब जब आप किसी के लिए प्रिपेयर करते हो, लाइक सेव मनी अगेंस्ट हैवॉक, ठीक है, तो ये वाला यूज और देख लेना, अगेंस्ट का आ सकता है, सेव मनी अगेंस्ट हैवॉक। हैवॉक मतलब क्या होता है, हैवॉक मतलब होता है आपदा, विपदा, कैलमाइटी, है ना, तो किसी के खिलाफ या किसी की प्रिपरेशन में आपको कुछ काम करना हो तो उसके लिए भी अगेंस्ट लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब है आफ्टर की बात करेंगे, ठीक है, आफ्टर आपको पता ही, आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद में, है ना, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, लेकिन मैंने आपको बताया था आफ्टर कंजंक्शन भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है, ठीक है, तो मैंने आपको कंजंक्शन में तो आफ्टर करा दिया था, लेकिन हम बात करेंगे प्रेपोजिशन में आफ्टर कैसे यूज होता है, देख लेते हैं, इतने सारे यूजेस हैं आपके आफ्टर के एज अ प्रेपोजिशन। पहला यूज, टू डिनोट क्लोज ऑफ अ पीरियड इन द टेक्स्ट, एक क्लोज है, कि क्लोज नहीं लिखा होगा, ये शायद क्लोज नहीं होगा, ये कुछ और होगा, टू डिनोट द पीरियड इन द पास्ट मतलब वही है कि मतलब आपको पास्ट में कुछ आपने किया है एक्शन, और आपको बताना है कि भाई आपने एक एक काम किसी के बाद में किया है, तो उस काम से पहले बाद में के लिए आफ्टर का यूज करते हो, जैसे वी स्टार्टेड प्लेइंग चेस आफ्टर ब्रेकफास्ट, कि हमने, अच्छा पास्ट में ज्यादातर यूज होता है कि भाई हमने चेस खेला किसके बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है, तो मतलब चेस बाद में आया है ब्रेकफास्ट के, तो इसलिए आफ्टर ब्रेकफास्ट से पहले लग जाएगा, पता ही आपका, मुझे पता है, इतना तो पता ही है, ठीक है, और भी बहुत कुछ पता होगा आपको, बट यू आर ओवर हियर टू बी बेटर, है ना। चलिए, ही रीच्ड द कॉलेज आफ्टर 9 AM, तो टाइम के लिए भी आफ्टर का यूज होता है कि भाई वो कॉलेज पहुंचा 9 बजे के बाद, तो आफ्टर का यूज इस तरीके से कर सकते हो आप। सेकेंड है, टू मीन बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग, कभी कभार आफ्टर को बिहाइंड की तरह भी यूज किया जाता है, बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे, है ना, के पीछे, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पीछे क्या है, स्क्रीन है, तो स्क्रीन इज बिहाइंड मी, है ना, तो कभी कभार आफ्टर को बिहाइंड की जगह यूज करते हैं, लाइक आई हैड लंच फर्स्ट एंड माई कॉलीग्स हैड आफ्टर मी, कि भाई इस वाले पूरे सेंटेंस के अंदर जो आफ्टर है उसका मतलब बिहाइंड है, कि भाई पहले मैंने लंच किया उसके बाद मेरे दोस्तों ने किया या मेरे कॉलीग्स ने किया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, या मेरे पीछे किया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है थर्ड, टू मीन इन सर्च फॉर, इन सर्च फॉर मतलब आपको मैंने बता रखा है कुछ कुछ वर्ब्स होती है, कुछ कुछ वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन का यूज होता है, और मैंने आपको बताया था कि अगर एक वर्ब कुछ मीनिंग कर रही है, एक वर्ब का कोई मीनिंग है, अगर उसके साथ प्रेपोजिशन लगा दी जाएगी तो उसका वो मीनिंग नहीं रहेगा, जैसे लुक मतलब बताया था मैंने आपको, एग्जाम्पल दिया था, लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक के बाद आफ्टर लगा दोगे तो वहां पे देखना नहीं रह जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा टेक केयर करना। ऐसे ही अगर आफ्टर रन के बाद लग जाता है या रैन के बाद लग जाता है, रन की किसी फॉर्म के साथ लग जाता है, तो वहां पे आफ्टर का मतलब क्या होता है, सर्च फॉर, ठीक है, या ढूंढना किसी को, सर्च करना, ठीक है, जैसे द पुलिस रैन आफ्टर द क्रिमिनल, यानी कि जो पुलिस है वो क्रिमिनल के पीछे थी, या ये भी मान सकते हो उसके 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 खोज में थी,
ना, तो रन के साथ आफ्टर यूज होता है ध्यान रखना, या किसी के पीछे पड़ जाना ये भी होता है ना, रन के साथ आफ्टर। उसके बाद है लुक के साथ आफ्टर लग गया, देखो यार लुक के साथ आफ्टर लग गया तो उसका मतलब होगा टेकिंग केयर ऑफ, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर किड्स, पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, टू शो लेटर देन समथिंग, टू शो लेटर देन समथिंग का मतलब क्या हो गया बताइए, टू शो लेटर देन समथिंग का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसा दिखाना जो बाद में हुआ हो, किसी के बाद में हुआ हो, है ना। जैसे वी रीच द स्टेशन जस्ट आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ठीक है, कि हम स्टेशन पहुंचे बिल्कुल कब, बिल्कुल जब ट्रेन निकल चुकी थी, ठीक है, यानी कि वी गॉट लेट, है ना। तो यानी कि जो काम पहले हुआ है उसके साथ हैड लगाते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, और जो काम बाद में हुआ है पास्ट में ही तो उसके साथ क्या लगाते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो, है ना। ये आपको पहले ही बता चुका हूं। तो वी रीच द स्टेशन जस्ट आफ्टर द ट्रेन हैड डिपार्टेड, हम पहुंचे स्टेशन बिल्कुल कब, जब ट्रेन निकल चुकी थी। सिक्स्थ है टू मीन फेवरेट, फेवरेट का मतलब क्या हो गया बताइए आपको, दिस मूवी इज आफ्टर माय हार्ट। तो यहाँ पे आफ्टर का मतलब पता है क्या है, फेवरेट, ठीक है, दिस मूवी इज आफ्टर माय हार्ट का मतलब क्या हो गया, ये मूवी मेरी फेवरेट है, मेरे दिल से जुड़ी हुई है। इस तरीके से आपकी कोई मूवी है ऐसी जो दिल से जुड़ी हुई है आपके, मेरी भी है, एक दो है, एक इंग्लिश है एक हिंदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मीन डिस्पाइट, तो कभी कभार कुछ सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जहां पे आफ्टर का मतलब के बाद में नहीं होगा, वहां पे आफ्टर का मतलब होगा के बावजूद। जैसे आफ्टर ऑल माई फेलियर्स आई गॉट द लास्ट रैंक या लास्ट चांस, ठीक है, कि भाई यहाँ पे आफ्टर का मतलब डिस्पाइट, डिस्पाइट की हिंदी क्या होती है, के बावजूद, इतनी मेरी सभी फेलियर्स के बावजूद भी मुझे लास्ट चांस मिले, मेरी सभी फेलियर्स के बावजूद भी मुझे लास्ट चांस मिला। तो पता है आपको ये ना सेंटेंसेस देखने पड़ेंगे कि भाई कौन से सेंटेंस के अंदर आफ्टर का या कौन सी प्रपोजिशन का क्या मतलब बन रहा है, और ये तभी होगा जब आप क्या करोगे, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, है ना। तो यहाँ पे आफ्टर ऑल माय फेलियर्स आई गॉट द लास्ट चांस। चलिए एट है टू मीन इन द स्टाइल ऑफ, टू मीन इन द स्टाइल ऑफ का मतलब क्या हो गया देख लेते हैं, ही वॉज नेम्ड आफ्टर फेमस सिंगर अरिजीत सिंह, इस तरह के सेंटेंसेस भी देखे होंगे आपने, ठीक है। यहाँ पे आफ्टर का मतलब क्या है, इन द स्टाइल ऑफ, ही वॉज नेम्ड आफ्टर फेमस सिंगर अरिजीत सिंह, उसका नाम रखा गया इन द स्टाइल ऑफ फेमस सिंगर अरिजीत सिंह। शी नेम्ड हर डॉटर रोज आफ्टर हर ओन मदर, ठीक है, उसने अपनी बेटी का नाम रोज रखा इन द स्टाइल ऑफ हर ओन मदर, अपनी मम्मी के खुद के स्टाइल पे या खुद के नाम पे, है ना, जो उसकी मम्मी का नाम है उसी के स्टाइल का उसने अपनी बेटी का नाम रख दिया। इस तरीके से आप देखने, अच्छा ये मत सोचना कि भाई मैं, आपने पहली बार अगर हो सकता है कि भाई कुछ यूजेस आपने पहली बार देखे हो तो ये मत सोचना एक्स्ट्रा है, ये इंपॉर्टेंट है सारे, डू नॉट ट्राई टू इग्नोर देम, ये आपको करना ही करना है कैसे भी, ठीक है, अगर एग्जाम सीरियसली क्रैक करना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस बनते हैं आफ्टर के, डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, टाइम आफ्टर टाइम, एटसेट्रा, तो इनके साथ आप इन फ्रेजेस में यूज कर सकते हो आफ्टर को। लाइक आई हेट स्क्वेंडरिंग मनी डे आफ्टर डे, इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वेंडरिंग का मतलब क्या होता है, देखो कितनी अच्छी वो कैब आई है इतने दिनों बाद, स्क्वेंडरिंग का मतलब होता है वेस्ट करना, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि भाई हर दिन या दिन पर दिन मुझे पैसे खराब करने से नफरत है, दिन पर दिन मुझे पैसे खराब करने से नफरत है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ओके, छोटा सा इंटरप्शन हो गया था। या बैक टू अवर लर्निंग, तो अब है बिफोर, बिफोर क्या कहता है, बिफोर की हिंदी मुझे पता है, आपको पता है जैसे आफ्टर की हिंदी होती है के बाद में, बिफोर की हिंदी होती है के पहले, देख लेते हैं और भी क्या यूजेस हैं। टू डिनोट एन अर्लियर पॉइंट ऑफ टाइम, ये आपको पता ही है कि भाई दो एक्शन है जो उनसा पहले हुआ है उसके लिए किसका यूज करोगे बिफोर का। लाइक ही वॉज सेंट ऑन मिशन बिफोर हिज मैरिज, शादी से पहले, शादी से पहले उसको मिशन पे भेजा गया था, तो बिफोर हिज मैरिज, यानी कि जो भी एक्शन या जो भी मोमेंट पहले हुआ है उसके पहले बिफोर लगा दो। उसके बाद है दी ऑफिसर प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज सीनियर, ठीक है। अब यहाँ पे पता है बिफोर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बिफोर का मतलब होगा इन फ्रंट ऑफ, इसके लिए अलग से सेंटेंस में बनाने वाला था, शायद मैंने बनाया होगा। बिफोर का मतलब कभी कभार ये भी होता है इन फ्रंट ऑफ, डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है आपके सामने, दी ऑफिसर प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज सीनियर, यहाँ पे एक्चुअली में बिफोर का मतलब पता है क्या है, यहाँ पे एक्चुअली में बिफोर का मतलब पहले नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि भाई जो ऑफिसर है उसने अपने आप को अपने सीनियर से पहले क्या करा, प्रेजेंट करा, नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो ऑफिसर है उसने अपने सीनियर के सामने अपने आप को प्रेजेंट किया,
ठीक है, तो कभी कभार बिफोर का मतलब इन फ्रंट ऑफ भी होता है, ठीक है, जैसे यहां पे मैंने सेंटेंस लिख ही रखा है, ठीक है, तो देख लो, द अक्यूज्ड वॉज कॉल्ड बिफोर द जज, जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड मतलब जिस पे इल्जाम लगाया गया है उसको जज के सामने बुलाया, तो यहां पे बिफोर का मतलब पहले नहीं है, यहां पे बिफोर का मतलब है के सामने या इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद है ही स्टर्ड बिफोर द डेड, वो मरे मृत के सामने खड़ा था, मरने वाले को मृत भी बोलते हैं ना, कुछ कुछ हिंदी के शुद्ध वर्ड्स मुझे आज भी याद है, तो मृत के सामने खड़ा था। अब यहां पे बिफोर का मतलब है इन फ्रंट ऑफ। चलिए नेक्स्ट है टू मीन इन प्रेफरेंस टू, ठीक है, टू मीन इन प्रेफरेंस टू, मतलब आप प्रेफरेंस की बात कर रहे हो तो वहां पे भी किसका यूज करोगे, बिफोर का। कैसे करोगे देख लो, ईच सोल्जर शुड चूज ऑनर बिफोर लाइफ, ईच सोल्जर शुड चूज ऑनर बिफोर लाइफ, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहां पे प्रेफरेंस की बात है, एक है आपका ऑनर, एक है आपका लाइफ, ठीक है, आप प्रेफरेंस किसको दे रहे हो, प्रेफरेंस दे रहे हो ऑनर को, और बोला जा रहा है कि एक एक सोल्जर को ऑनर चूज करना चाहिए लाइफ से पहले, या लाइफ से पहले, या लाइफ के लाइफ लाइफ के पहले ही होगा, है ना, तो यहां पे जब प्रेफरेंस दे रहे हो ना, तो उस तरीके इस तरह के स्टेटमेंट में आप किसका यूज करोगे, बिफोर का। नेक्स्ट टू रेफर टू अ प्लेस इन अ लिस्ट, ठीक है, जब आप एक लिस्ट देख रहे हो, लिस्ट में कोई प्लेस है उसको रेफर करना है, कैसे करना है, उसके लिए बिफोर का यूज होगा, जैसे हिज अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, सॉरी हिज अटेंडेंस रिकॉर्ड्स कम बिफोर द टीचर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो उसके अटेंडेंस के रिकॉर्ड्स हैं वो टीचर के सामने आए, टीचर के सामने आए, तो यानी कि जब लिस्ट की बात करते हैं ना, वहां पे कोई प्लेस हो, कोई पोजीशन हो, जैसे मेरा है, ठीक है, सपोज करो मेरी रैंक आई है थर्ड, तो मेरी कोई पोजीशन होगी, तो उसके लिए बिफोर का यूज करोगे इस तरह के सेंटेंसेस में, है ना। उसके बाद है फिफ्थ, इन कमांड्स वार्निंग्स और ऑर्डर्स, ठीक है, कमांड्स में, कमांड्स आपको पता ही क्या होता है, वार्निंग्स में, चेतावनी और ऑर्डर्स में यूज करोगे आप बिफोर का, किस तरह के स्टेटमेंट बनेंगे देख लेते हैं, गो टू बेड बिफोर इट स्ट्राइक्स 10 o'clock, कि भाई सोने चले जाओ 10 बजने से पहले, ठीक है, तो इस तरीके से ये वार्निंग ही है ना, या कमांड ही है, तो इस तरह के स्टेटमेंट में बिफोर का यूज होगा। तो ध्यान रखना बिफोर की हिंदी केवल पहले नहीं होती है, ठीक है, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है। फिनिश योर होमवर्क बिफोर डिनर, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अपना खाना खत्म कर लो, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, अपना होमवर्क खत्म कर लो किससे पहले, डिनर से पहले, तो डिनर से पहले अपना होमवर्क खत्म कर लो, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको बिफोर देखने के लिए मिल जाएगा। अब बिफोर भी अपना कंप्लीट हो गया है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिलो एंड बिनीथ, बिलो एंड बिनीथ, बिलो भी सुना होगा बिनीथ भी सुना होगा, लेकिन ज्यादा फॉर्मल बिलो है, बिनीथ कम यूज होता है, कम देखा है मैंने, ठीक है, बाकी दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्या डिफरेंस है लाइन बाय लाइन देखेंगे, बिनीथ ज्यादा मतलब यूज नहीं होता है, बिलो ज्यादा यूज देखने को मिलता है आपको सेंटेंसेस में। तो पहले देख लेते हैं हम बिलो को, गिव मी अ मोमेंट प्लीज, ठीक है, तो बिलो क्या कहता है, टू मीन लोअर इन पोजिशन और डिग्निटी, ठीक है, पहले बिलो को देख रहे हैं, टू मीन लोअर इन पोजिशन और डिग्निटी, डिग्निटी पता ना क्या होता है, और पोजिशन, जब आप पोजिशन या डिग्निटी में लोअर हो, डिग्निटी मतलब देखो हिंदी में नहीं बता सकता, लेकिन एक होता है ना, मैं किसी को ठेस पहुंचा देते हैं तो क्या उसकी वो चली जाती है, वो डिग्निटी होता है, ठीक है, यू आर बिलो माई पोस्ट, ठीक है, अब यहाँ पे पोजिशन की बात है, तुम मेरी पोस्ट से नीचे हो, हिंदी क्या है, नीचे, इस तरह के सेंटेंसेस में, इट इज बिलो माई डिग्निटी टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ माई एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है, ये मेरी डिग्निटी से नीचे है कि भाई मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का दोस्त बनना हो ही नहीं सकता, है ना, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप देखने को मिल जाओगे, देखने को मिल जाएगा आपको बिलो। टू मीन लेस देन, लेस देन का मतलब कम, ठीक है, तो बिलो, नीचे, कम, ऑलमोस्ट वही मतलब बनते हैं। बनानास कॉस्ट बिलो द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, तो सिंपल सी बात है, जो बनानास का कॉस्ट है वो बिलो है, नीचे है, कम है, लेस देन है, किससे, एप्पल की कॉस्ट से, तो ऐसा होता नहीं है वैसे तो, एप्पल ज्यादा महंगे होते हैं, पता नहीं मैंने क्यों बना दिया, क्या सोच के बना दिया सेंटेंस। देखो मैंने आपको अबव बताया था, अबव यूज होता है टू बी मोर देन, है ना, जैसे अबव को आप मोर देन की जगह यूज कर सकते हो, ऐसे बिलो को लेस देन की जगह यूज कर सकते हो। थर्ड है टू डिनोट पोजीशन लोअर देन समथिंग बट नॉट इन कॉन्टैक्ट, जैसे अबव का बताया था मैंने, ओवर का बताया था, कोई चीज आपसे ऊपर है, ठीक है, लेकिन कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो ऐसे ही अगर कोई चीज आपसे नीचे है ना, कॉन्टैक्ट में नहीं है तो बिलो, ऊपर है कॉन्टैक्ट में नहीं है तो अबव, ठीक है, नीचे है कॉन्टैक्ट में नहीं है तो वॉट, तो आपका आ जाएगा बिलो। द ट्रेन इज स्टैंडिंग बिलो द ब्रिज, मतलब जो ट्रेन है वो ब्रिज से नीचे है, टच में तो नहीं है, टच में तो नहीं है, है ना, तो नीचे है, कॉन्टैक्ट में नहीं है। लास्ट है टू मीन इंफीरियर टू, सिंपल सी बात है, नीचे होना किसी के, किसी के नीचे होना, इंडिकेट करना है, ऐसा एक्सप्रेस करना है, तो किसका यूज करोगे आप,
बिलो का, जैसे हिज मैनर्स आर बिलो स्टैंडर्ड्स, उसके जो मैनर्स है, उसके जो बिहेवियर है, उसके जो एडिकेट्स हैं वो इससे कम है स्टैंडर्ड, जो यूजुअल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, एडिकेट्स होने चाहिए, उससे कम है, ठीक है, इंफीरियर टू, इन कंपैरिजन में यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो बिलो को। बिलो कंप्लीट हो गया है, अब बीनीथ की बात करेंगे। टू मीन अंडर, बट इट इज बेटर टू यूज इट फॉर एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स, ठीक है। अब ये जो भी लिखा है, ठीक है, इसे भूल के हम सेंटेंस देखेंगे, इसका मतलब अंडर होता है। अंडर अब तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे, डबल प्रपोजिशन के अंदर आएगा, ठीक है। बीनीथ का मतलब ऑलमोस्ट वही होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो कि बिलो होता है, हिंदी वही होती है, के नीचे, ठीक है। ही कैप्ट माई इंग्लिश बुक बीनीथ हिज कॉमिक बुक, उसने मेरी इंग्लिश बुक कॉमिक बुक के नीचे रख दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पता मतलब बन रहा है, बिलो आता है उस पोजिशन के लिए जो नीचे है लेकिन कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन बीनीथ आता है उस पोजिशन के लिए जो नीचे है किसी चीज से लेकिन कॉन्टैक्ट में है। उसकी जो इंग्लिश बुक है वो कॉमिक बुक के नीचे है, यानी कॉमिक बुक और इंग्लिश बुक टच में है, इंग्लिश बुक टच में है और नीचे है कॉमिक बुक के, तो इसलिए बीनीथ का यूज हो रहा है। समझ में आ गया आप बीनीथ और बिलो में क्या डिफरेंस है? बीनीथ उस पोजीशन के लिए यूज होगा, उस थिंग के लिए यूज होगा जो नीचे होगी और टच में होगी ऊपर वाले से, लेकिन बिलो, बिलो क्या होता है, टच में नहीं होता है, बिलो नीचे होता है लेकिन ऊपर वाले के टच में नहीं होता। हिज लिटिल ब्रदर वॉज स्टैंडिंग बीनीथ द बैनियन ट्री, ठीक है। उसका जो, इसका मतलब ये मत सोच रहे ना बिल्कुल टच में, अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसका छोटा भाई है बैनियन ट्री के नीचे खड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि उसका टच ही, मतलब सारे पत्ते पौधे बार्क उसको टच करेंगे, समझ में आ जाना चाहिए, ऑलमोस्ट टच, या मतलब बिल्कुल भी गैप ना हो, ठीक है, या बहुत कम गैप हो, नेग्लिजिबल गैप हो, इस तरीके के स्टेटमेंट के लिए किसका यूज करो? बीनीथ का, जो उसका छोटा भाई है वो बैनियन ट्री के नीचे खड़ा है। चलिए नेक्स्ट है, टू मीन नॉट वर्दी ऑफ, नॉट वर्दी ऑफ का मतलब वही है लायक ना होना, जैसे बिलो ऑलमोस्ट ये बता रहा था, है ना, बिलो भी यही तो बता रहा था, पोजीशन जब कम हो, इंफीरियर हो, ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा, आपका बीनीथ, नॉट वर्दी ऑफ, इट इज बीनीथ यू टू कॉम्प्रोमाइज विद द सिचुएशन, यानी कि तुम लायक नहीं हो कि भाई सिचुएशन के कॉम्प्रोमाइज, कोई सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज करने के, ठीक है। इट इज नॉट वर्दी ऑफ यू, इसका मतलब ये हो गया, वॉट ही डिड वॉज बीनीथ हिम, ठीक है, जो उसने किया वो लायक नहीं था उसके, ठीक है, या किसी ने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि वो ही करेगा, ठीक है। वॉट ही डिड वॉज नॉट वर्दी ऑफ हिम, इस तरीके से यूज कर सकते हो आप बीनीथ का, और बिलो भी हमने कर लिया, ठीक है। आई थिंक फॉन्ट्स बहुत छोटे हैं, बट आपको दिख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बिसाइड, बिसाइड क्या कहता है, बिसाइड मतलब होता है के साथ, एक है बिसाइड एक होता है बिसाइड्स, ठीक है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देख लेंगे सब कुछ करेंगे, नो वरीज, कोई प्रेपोजिशन छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। बिसाइड का मतलब कैसे याद रखो कि बिसाइड बना है साइड से, यानी कि जब कोई चीज साइड में होती है ना तो वो बिसाइड हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे ही याद रखोगे। वैसे इसको ये रूल भी अप्लाई, मतलब ये सोचने की भी जरूरत नहीं है बिसाइड बिसाइड, मतलब अब इतना भी तुम डम नहीं हो या मैं डम नहीं हूँ, ठीक है, या कोई डम नहीं है कि बिसाइड को याद करने के लिए भी वो जो है सोचेगा कि ये साइड है तो भाई टच में होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, बस बिसाइड का मतलब क्या है, साथ में होना, ठीक है। एडजेसेंट टू इज ऑल्सो अ गुड फ्रेज, है ना, जैसे टू मीन एट द साइड ऑफ और नेक्स्ट टू, मतलब या तो साइड में होना या थोड़ा सा आगे होना। मदर यूजुअली सिट्स बिसाइड माई सोफा, मम्मी जो है ज्यादातर मेरे सोफे के साथ में बैठती है, ठीक है। एक होता बिसाइड्स, उसमें कंफ्यूज मत होना, वो अलग है, ठीक है, बिसाइड्स आगे करेंगे। टू मीन एक्सट्रीमली इन द फॉलोइंग एरिया, वैसे तो बिसाइड का केवल यही मतलब है, इस तरीके से यूज करना है, ठीक है, बट केवल एक यूज बन रहा था, मैं सोचा कि भाई एक इडियम और आपको दिखा देता हूँ जिसमें बिसाइड आता है, ठीक है। जैसे ये रहा, बिसाइड वनसेल्फ विद एंगर सोरो और रेज, ठीक है, ये एक तरह का इडियम है, ठीक है, ये क्या एक तरह का इडियम है। अब इसमें बिसाइड का मतलब होता है एक्सट्रीमली, बिसाइड का मतलब क्या होता है एक्सट्रीमली, जैसे आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ विद एंगर, मतलब मैं जो है कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो गया था अपने गुस्से से, ठीक है। तो मतलब ये भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको ये देखना है कि भाई बिसाइड का मतलब ये होता है, ठीक है। चलो और कुछ नहीं है बिसाइड में, और कुछ नहीं सीखना, केवल इतने ही स्लाइड में दो यूजेस हैं किसके, बिसाइड के। आगे बढ़ते हैं, अब है आपका बिहाइंड, बिहाइंड तो आपको पता होगा, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, लाइक द स्क्रीन इज बिहाइंड मी, है ना। और भी यूज देख लेते हैं, पहला टू मीन एट द बैक ऑफ इन टर्म्स ऑफ अ प्लेस, मतलब बैक पीछे होना वही है, इन टर्म प्लेस के मामले में, है ना, प्लेस के मामले में भी हम प्लेस के मामले में बात कर रहे हैं, जब कोई पोजीशन या प्लेस के मामले में पीछे होता है, जैसे द सन वॉज बिहाइंड द क्लाउड्स, जो सन की पोजीशन है वो क्लाउड्स के पीछे है, या ऐसे भी कह सकते हैं जो क्लाउड्स है उन्होंने सन को छुपा लिया है, यानी कि सन नहीं दिख रहा है ना। नेक्स्ट टू मीन लोअर इन रैंक और सीक्वेंस,
एक जगह हो रहा था बिहाइंड, जब कोई सीक्वेंस में या रैंक में लोअर हो गई, जैसे है ना लोअर रैंक में लोअर हो गई, जैसे पोजीशन में लोअर हो, जैसे देयर वाज वंस अ नीम ट्री बिहाइंड माय ऑफिस, ठीक है, एक बार क्या हुआ था या एक बार क्या था, मेरे ऑफिस के पीछे नीम का ट्री था, वैसा कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है, ऐसे मैंने सेंटेंस बना दिया है। तो जब कोई रैंक में या सीक्वेंस में पीछे होता है तो किसका यूज करेंगे, बिहाइंड का, कि भाई ऑफिस के पीछे क्या था, नीम का ट्री था। उसके बाद है टू मीन लेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, लेट हो जाना टाइम के मामले में, टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा, बार बार सुनने को मिलेगा एयरपोर्ट्स पे, ठीक है, फ्लाइट इज रनिंग बिहाइंड द स्केड्यूल टाइम, जो फ्लाइट है वो स्केड्यूल टाइम से पीछे चल रही है, यानी कि लेट हो गई है, इस तरह के सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा। टू इंडिकेट इंफियोरिटी, सॉरी इंफीरियोरिटी, टू इंडिकेट इंफीरियोरिटी, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, वही है जो हमने बिलो और बीनीथ के लिए पढ़ा था, है ना, नीचे होना पोजिशन में या ओहदे में, है ना। आई हैव ऑलवेज बीन बिहाइंड टॉम इन पॉलिटिक्स, हम नहीं, सॉरी, मैं हमेशा टॉम से पीछे रहा हूँ पॉलिटिक्स में, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। एंड लास्ट है बिहाइंड का फिफ्थ रूल, दैट इज फिफ्थ यूज, आई मीन दैट इज इन गिविंग सपोर्ट, कभी कभार सपोर्ट देने के लिए किसका यूज हो सकता है, बिहाइंड का, कहते नहीं है कि भाई मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ जो करना है कर, इस तरीके से कहते हैं ना, डर मत मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, इस तरीके से, तो बिहाइंड के साथ ही बनता है। शी स्टूड ब्रेवली बिहाइंड हर फादर, इसका मतलब क्या हो गया, वो डटकर खड़ी रही अपने फादर के पीछे, इस तरीके से, ठीक है। एंड विद दिस बिहाइंड भी कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ेंगे बियॉन्ड, बियॉन्ड वैसे तो पता ही होगा आपको, बियॉन्ड भी पता ही होगा, बियॉन्ड आपको मेट्रो में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, ठीक है, इसकी हिंदी होती के आगे। पहला क्या है, टू मीन ऑन द फार्दर साइड ऑफ, फार्दर साइड मतलब किसी दूर की साइड के लिए जब बात करते हैं तो बियॉन्ड मतलब आगे की, ठीक है, एक ये स्टेशन एक आगे स्टेशन, तो आगे वाला क्या हो जाएगा, बियॉन्ड हो जाएगा यहाँ से, है ना। ही मिस्टेकनली वेंट बियॉन्ड नेहरू प्लेस, तो वो गलती से नेहरू प्लेस चला गया, सॉरी नेहरू प्लेस के आगे चला गया, उसे नेहरू प्लेस उतरना था लेकिन गलती से नेहरू प्लेस के आगे चला गया, तो इस तरीके से यूज करोगे बियॉन्ड का, के आगे हिंदी। डू नॉट गो बियॉन्ड द स्टेट बॉर्डर, स्टेट बॉर्डर के आगे नहीं जाना, स्टेट बॉर्डर के आगे नहीं जाना। सेकेंड, टू मीन आफ्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टू मीन आफ्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर होता है, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में जब आप बात कर रहे हो, आफ्टर मतलब के बाद। डू नॉट गो आउटसाइड बियॉन्ड 12 o'clock, इसका मतलब क्या हो गया, कि भाई 12 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, तो यहाँ पे बियॉन्ड वही मीनिंग दे रहा है जो आफ्टर दे सकता है यहाँ पे, कि भाई 12 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। थर्ड है टू मीन आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ की जगह भी कभी कभार आ सकता है क्या आपका बियॉन्ड, जैसे ही टॉक्स बियॉन्ड हिज लिमिट्स, ये अपनी लिमिट से ज्यादा बोलता है ना, या ही टॉक्स आउट ऑफ हिज लिमिट्स, वही मतलब हो गया। आई वॉन्ट टू लिव बियॉन्ड माई इनकम, मैं अपनी इनकम से ज्यादा जीना चाहता हूँ, यानी कि जो मेरी कैपेसिटी है कमाने की और खर्च करने की, उससे ज्यादा की मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ या उससे आगे की जिंदगी जीना चाहता हूँ, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है टू मीन सरपासिंग, सरपासिंग मतलब क्या हो गया, जैसे सरपास कर देना मतलब पता है, सरपास मतलब आगे आगे हो जाना किसी से, सरपास कर देना, पास कर देना, ठीक है, आगे हो जाना किसी चीज से या किसी से, तो वहां पे यूज होता है। हिज राइटिंग्स आर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी जो राइटिंग्स है, उसके जो मतलब जो भी कार्टोग्राफी है, कार्टोग्राफी बोलते हैं ना, पता नहीं पहले, नहीं कार्टोग्राफी नहीं बोलते, वो तो मैप्स के लिए होता है, हाँ कैलीग्राफी या कोई भी राइटिंग, कोई भी फॉर्मल लेटर्स हो या उसके लिखने का तरीका हो, ठीक है, वो क्या है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, यानी कि एक्सपेक्टेशन से भी आगे है, मतलब जितना हम सोच नहीं सकते उससे भी आगे है, बियॉन्ड का मतलब समझ में आ गया ना, कि व्हाट वी डिड नॉट एक्सपेक्ट, या सरपास कर दिया एक्सपेक्टेशन को, हमने जिससे सोचा था उससे भी आगे निकल गई उसकी राइटिंग्स, है ना। बियॉन्ड भी कंप्लीट, चलो आगे बढ़ते हैं। बिटवीन, बिटवीन मतलब के बीच में, अमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस है, अमंग यूज होता है दो से ज्यादा एंटिटीज के लिए, बिटवीन यूज होता है केवल दो एंटिटीज के लिए, जैसे फॉर एनी टू पीपल ऑब्जेक्ट्स डेज पॉइंट्स एटसेट्रा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, दो होने चाहिए। द पोल, पोल नहीं है, पोल तो ये होगा है ना, वो है पोल, द पोल स्टैंड्स बिटवीन टू ट्रीज, जो पोल है, जो खंबा है, वो दो ट्रीज के बीच में है, दो ट्रीज के बीच में है। डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन टू हाफ, इस एप्पल को काट दो दो हाफ में। ट्यूजडे कम्स बिटवीन मंडे एंड वेंसडे, ट्यूजडे जो है मंडे और वेंसडे के बीच में आता है। द मूवी विल बिगिन बिटवीन 2 PM एंड 3 PM, जो मूवी है वो 2 से 3 के बीच में चालू होगी, है ना, इस तरीके से। लेकिन कभी कभार बिटवीन यूज हो सकता है दो से ज्यादा एंटिटीज के लिए भी, लेकिन करना मत क्योंकि एसएससी में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस अगर देख लो तो ये मत सोचना कि भाई बिटवीन कैसे यूज हो रहा है दो से ज्यादा के लिए, कभी कभार देखने को मिल सकते हैं इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के देखने को मिलेंगे, तो आपके सामने है।
डॉक्टर रॉजर शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस बिटवीन अस. अब इस केस में डॉक्टर रॉजर ने क्या करा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा बिटवीन अस. बिटवीन अस, तो इस तरह के आपको देखने को मिल जाएंगे कि बिटवीन के बाद क्या लगा होगा, कोई प्रोनाउन यूज होगा, वो प्लूरल होगा और दो से ज्यादा इंडिकेशन दे रहा होगा, दो से ज्यादा की. ठीक है, तो सभी चीज मेरा बताना काम है. तो इस तरह के सेंटेंस अगर देखने को मिल जाए कि बिटवीन जो है कैसे यूज हो रहा है प्लूरल प्रोनाउन के साथ जिसमें दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं, तो हो सकता है यूज. द मैन डोनेटेड $1,000 बिटवीन देम, जो आदमी है उसने $1,000 डोनेट किया उन लोगों के बीच या उनके बीच, इस तरीके से. अब है सेकंड यूज ऑफ बिटवीन एज एन एडवर्ब टू मीन इन द पीरियड ऑफ टाइम सेपरेटिंग टू डेट्स और टू और मोर पॉइंट्स, टू इवेंट्स, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा. लगातार बोल के ना, मैं जो काम भी हो गया पता नहीं, एक बार ये हो जाता है कफ जुकाम तो एक हफ्ते तक ज्यादा नहीं है, एंड दिमाग खराब करके रहता है, कॉन्सेंट्रेशन पूरा खराब कर देता है. तो ये जो भी लिखा हुआ है उसको सही से समझा देता हूँ. ठीक है, जब कोई बातचीत हो रही हो ना, बातचीत, तो कहते नहीं है कि भाई बीच में मत बोलो, तो वहां पे बिटवीन ही यूज होता है. वहां पे जो बिटवीन होता है वो प्रपोजिशन की तरह यूज नहीं होता, एज एन एडवर्ब यूज होता है. क्यों होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ एडवर्ब के सेशन में. और वहां पे बिटवीन एडवर्ब का क्यों काम करता है ये भी आपको खुद ही कोशिश करनी है पता लगाने की. तो एज एन एडवर्ब टू मीन इन द पीरियड ऑफ टाइम सेपरेटिंग टू डेट्स और टू और मोर पॉइंट्स, टू इवेंट्स, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा. सिंपल सी बात है, सेंटेंस देख लो समझ में आ जाएगा. डू नॉट स्पीक इन बिटवीन, डू नॉट स्पीक इन बिटवीन, इस तरीके के सेंटेंसेस में बिटवीन का यूज करो. शी ईट्स चिकन ओनली ऑन संडेज एंड नॉट इन बिटवीन. ठीक है, कि भाई वो चिकन खाती है केवल संडेज को और बीच में नहीं. समझ में आ गया जो मैं समझाना चाहता हूँ, कि केवल संडेज को खाती है और संडेज के बीच में जो दूसरा संडेज है वो बीच में हो गया तो तब नहीं खाती. तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हो बिटवीन को. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज व्हाइल यूजिंग कंपाउंड प्रपोजिशंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब है बिसाइड्स. बिसाइड्स आपको बताइए क्या होता है, मैंने आपको बता दिया बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है के साथ में, बिसाइड्स होता है एस का एक डिफरेंस है, बस एस लग गया है यहाँ पे, बस लग गया है. तो मतलब क्या बन जाएगा, इन एडिशन टू, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ. ठीक है, जैसे बिसाइड्स बीइंग अ टीचर ही इज अ नॉवलिस्ट, कि भाई टीचर होने के साथ साथ वो एक नॉवलिस्ट भी है. ठीक है, तो इन एडिशन टू. ठीक है, बिसाइड्स लव स्टोरीज आई ऑल्सो लाइक गोस्ट स्टोरीज, कि भाई लव स्टोरीज के साथ साथ मुझे गोस्ट स्टोरीज भी पसंद है. थर्ड है ही हैड मटन इन द लास्ट ओकेजन बिसाइड्स ही इज अ सेलिब्रेट. मस्त सेंटेंस है, कि भाई उसने जो है लास्ट ओकेजन में मटन खाया था और बिसाइड्स ही इज अ सेलिब्रेट का मतलब इन एडिशन टू दैट ही इज अ सेलिब्रेट, मतलब इसके होने के साथ साथ कि भाई वो सेलिब्रेट था. सेलिब्रेट मतलब ब्रह्मचारी है ना, तो ब्रह्मचारी होने के साथ साथ उसने लास्ट ओकेजन पे मटन खाया था. तो इस तरीके से आप यूज करोगे बिसाइड्स को. ठीक है, तो बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस है, डू नॉट फॉरगेट इट. आगे बढ़ते हैं. अब है विद इन. विद इन भी बहुत आसान है. ठीक है, विद इन मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको सिंपल प्रेपोजिशन में विद बताया था. ठीक है, कंपाउंड प्रेपोजिशन देखो कैसे बना दिया, विद के साथ एक एक और प्रेपोजिशन, सिंपल प्रेपोजिशन को ऐड कर दिया, विद इन बन गया और ये कंपाउंड प्रेपोजिशन बन गया. कंपाउंड प्रेपोजिशन बनाई जाती है, चलिए देख लेते हैं इसका पहला यूज विद इन का. वैसे तो इसकी ज्यादा हिंदी की होती के अंदर अंदर, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में आपको विद इन की हिंदी दिखेगी के अंदर अंदर या के अंदर. बाकी सेंटेंस में देख लेते हैं. टू डिनोट बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड, ठीक है, मतलब कोई टाइम है, टाइम के खत्म होने से पहले पहले की बात करनी है, वो विद इन का यूज करोगे. लाइक एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड विद इन अ वीक, एग्जाम जो है कंडक्ट किए जाएंगे एक वीक के अंदर अंदर, यानी कि वीक से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि उस वीक जो एक हफ्ते में 7 दिन है उसी के अंदर अंदर एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा, है ना. तो इस तरीके सेंस में आप किसका यूज करोगे, विद इन का. द गेम विल एंड विद इन आवर, द गेम विल एंड विद इन एन आवर, इसका मतलब क्या हो गया कि एक घंटे के अंदर अंदर गेम कंप्लीट हो जाएगा या एंड हो जाएगा. ठीक है, एक घंटे के अंदर अंदर गेम कंप्लीट हो जाएगा. आई होप समझ में आ गया होगा. तो यानी कि एक घंटे ज्यादा नहीं लगेगा, चाहे एक घंटे में हो कभी भी हो, चाहे 5 मिनट में हो, 10 मिनट में हो, आधे घंटे में हो, 45 मिनट्स में हो या 55 मिनट्स में हो, एक घंटे के अंदर अंदर होगा जो होगा. चलिए सेकंड यूज है इसका टू इंडिकेट डिस्टेंस. डिस्टेंस को भी जैसे यहाँ पे टाइम के लिए है तो ऐसे डिस्टेंस के लिए भी आ जाएगा, डिस्टेंस के अंदर अंदर. वैसे द चर्च इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस, तो वॉकिंग डिस्टेंस तो सुना होगा ना, ये एक तरह का कंपाउंड नाउन बना दिया आजकल लोगों ने, ऐसे बोलते हैं कि भाई कितना दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है ना, इस तरीके से बोलते हैं. तो जो चर्च है वो वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर अंदर है मेरे घर से, ठीक है, ज्यादा नहीं है.
डोमिनोज वॉज वंस विद इन अ स्टोन थ्रो फ्रॉम रोहिणी सेक्टर 18। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने स्टोन थ्रो एक इडियम का यूज करा है। स्टोन थ्रो मतलब पत्थर फेंका और आ गया, यानी कि बहुत पास। तो जो डोमिनोज है वो पहले स्टोन थ्रो के अंदर मतलब बहुत नजदीक था, ठीक है, बहुत नजदीक था मेरे रोहिणी सेक्टर 18 से, है ना। डोमिनोज जो है बहुत नजदीक था, या वॉकिंग या हाँ मतलब छोटे डिस्टेंस के अंदर अंदर था रोहिणी सेक्टर 18 के, 18 से आई मीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द सेंस ऑफ इनसाइड द रेंज लिमिट्स और स्कोप ऑफ समथिंग, मतलब इनसाइड द रेंज कि जब आपको सेंस देना हो, लिमिट्स की सेंस देनी हो, या स्कोप का आपको मीनिंग बताना हो, स्कोप स्कोप, ठीक है, कहते हैं ना ये मेरे स्कोप में नहीं है, या इसका क्या स्कोप है, कितनी रेंज है, कितना वाइड है ये, कब आप इनका यूज करोगे। जैसे आई कैन शूट द बलून ओनली वेन इट कम्स विद इन द रेंज, मैं बलून को शूट कर सकता हूँ केवल तब जब वो रेंज के अंदर अंदर हो, जब वो रेंज के अंदर अंदर हो, इस तरीके से। द फार्मर कमिटेड सुसाइड एज ही कुड नॉट फीड हिज फैमिली विद इन हिज इनकम, जो फार्मर है उसने सुसाइड कमिट कर लिया बिकॉज वो अपनी फैमिली को अपनी इनकम के अंदर अंदर खिला नहीं सका, या अपनी फैमिली का पालन पोषण नहीं कर सका अपनी इनकम के अंदर अंदर, मतलब जो भी उसकी इनकम थी, जितनी भी उसकी लिमिट थी खिलाने पिलाने की, वो पार हो गई, तो दैट इज वाई ही कमिटेड सुसाइड। तो इस तरीके से आप जो है समझ सकते हो विदिन को। तो विदिन के तीन यूजेस हैं, इससे ज्यादा करने की कोशिश मत करना बिकॉज दे वुड बी वर्थलेस फॉर यू एंड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो विदिन हो गया ये, एंड आई थिंक अब लास्ट कंपाउंड प्रेपोजिशन बची है, और जो कि है आपका विदाउट। बहुत सिंपल है भी, विदाउट मतलब अब देखो ये कैसे बना दी, ये बना दी आपकी विद के साथ आउट लगा के, ठीक है, ये हो गई आपकी कंपाउंड प्रेपोजिशन, है ना। विदाउट मतलब, विद मतलब क्या होता है, के साथ, और विदाउट मतलब हो जाएगा के बिना, है ना। प्रेप एक्सप्रेसेस द नेगेटिव ऑफ विद, जो विद का सेंस होता है उसका उल्टा हो जाएगा विदाउट, सिंपल। टू मीन इन द एब्सेंस ऑफ, वही है कि उसके बिना, है ना। जैसे ही इज अ फादर विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, वो एक पापा है बिना बच्चे बिना बीवी के, है ना। रेचियल वेंट टू न्यूयॉर्क विदाउट हर हस्बैंड, रेचियल न्यूयॉर्क चली गई अपने हस्बैंड के बिना। तो ये जब बोलना हो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। टू मीन आउटसाइड, कभी कभार विदाउट का मतलब आउटसाइड भी होता है, आउटसाइड कैसे हो जाएगा। The अनसिविलाइज्ड विदाउट द गेट्स, ठीक है, the अनसिविलाइज्ड विदाउट द गेट्स, आई थिंक ये सेंटेंस पूरा सही नहीं है, ये पता कैसे बनेगा, आर आ जाएगा यहाँ पे, the अनसिविलाइज्ड आर विदाउट द गेट्स, ठीक है। तो ये वैसे ये वाला यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये यूज करने की जरूरत नहीं, बस विदाउट का ये ध्यान रखो कि ये वाला विदाउट का मतलब होता है, ठीक है, के बिना, जो अपोजिट होता है किसका, विद का, है ना। एंड विद दिस आपका कंप्लीट हो गया है क्या आज का सेशन, बहुत ही लंबा सेशन था, अगर आपने जो है पूरा सेशन मेरा लिया है आज का, ठीक है, आज का पूरा सेशन लिया है किसका, कंपाउंड प्रिपरेशन का, तो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड योर पेशेंस, ठीक है, एंड योर डेडिकेशन। तो मतलब आसान नहीं है, अगर आपने पूरा एक घंटे ज़्यादा का ही हो गया, एक घंटे का सेशन मेरा लिया है कंपाउंड प्रिपरेशन का, तो इस सेशन में आपको पूरी कंपाउंड प्रिपरेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा भार जो है झांकने की जरूरत नहीं है बिकॉज इतना एनफ है, आपके कंपाउंड प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, सिंपल प्रेपोजिशन लास्ट टाइम हो गई थी, आज कंपाउंड प्रेपोजिशन भी कंप्लीटेड, एंड हम मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, डूइंग व्हाट लेट अस सी, है ना। चलिए अब बहुत देर हो गई है, ठीक है, और थैंक यू फॉर योर डेडिकेशन इफ यू अटेंडेड माय टुडेज लेक्चर, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग माय लेक्चर टू, एंड बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू टॉपिक इन प्रेपोजिशन ओनली, एंड टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, नथिंग, टेक अ रेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।